हेलो दोस्तों, मैं हूं उदास सिंह। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरीके से सर्च कर रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली, चाहे मेरे ही यूट्यूब चैनल को देख के या फिर कहीं और भी किसी और भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स को देख के। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जॉब मिल रही है और कई सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं भी मिल रही है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और वो ये किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, वो चाहे आपका कैरियर गैप हो रहा हो, आप जो है आप लेडीज़ हैं, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा, या फिर आपके लो परसेंटेज हैं, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, बैकलॉग है, कई सारी समस्याएं हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आप लोग को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ और वहाँ पर मैं आप लोग को सक्सेस स्टोरीज भी बताऊँगा। जो लोग जो बच्चे यहाँ पर इसके साथ जुड़े हैं, यहाँ पर उन्होंने वर्क किया है, उसकी सक्सेस स्टोरीज मैं दिखाऊँगा कि कैसे वो लोग प्लेस हुए हैं, चाहे वो फ्रेशर हुए हों या फिर वो किसी और कंपनी में काम कर रहे थे, या फिर वो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, लो परसेंटेज था, बीच में कई साल 11 साल का भी गैप आया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, इसको ज़रूर देखना। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने पहले भी कई बार बात किया हुआ है अपने पिछले वीडियोज़ में, और कुछ लोग इसको देखे हैं, उससे उनको हेल्प भी मिला है। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज़ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओडिन स्कूल के बारे में। ओडिन स्कूल यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है डेटा साइंस की तरफ से एक बूट कैंप। इस बूट कैंप को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आप लोग इसके साथ जो भी इनका ड्यूरेशन का कोर्स है इसके साथ जुड़ते हो, तो यहाँ से आपको बिल्कुल नए सिरे से आप लोग को पूरा लर्न करवाते हैं। यहाँ पे ये प्लेसमेंट भी कराते हैं और अच्छी कंपनीज़ में यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होता है, सैलरी भी आपकी यहाँ पे अच्छी रहती है। और एक चीज़ यहाँ पे ये दोस्तों कि यहाँ पे इनके जो ट्रेनर होते हैं वो काफ़ी डेडिकेटेडली यहाँ पे काम करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप उसमें फिट बैठ रहे हो कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सेलिब्रेटिंग सक्सेस स्टोरीज दैट इंस्पायर, ये सारे बच्चे जो है यहाँ पे जो है सेलेक्ट हुए हैं ओडिन स्कूल के थ्रू। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कैरियर लॉन्च अगर किसी ने किसी को चाहिए, जैसे कि आप ये फ्रेशर थे बिल्कुल, ठीक है, ये कैरियर लॉन्च इनका हुआ है और ये सॉफ्टवेयर एक ट्रेनी यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं कंपनी में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कैरियर लॉन्च के कई सारे एग्जांपल हैं। उसके अलावा कैरियर ट्रांजिशन, अगर कहीं ऑलरेडी कहीं आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज चाहते हो, तो आप ये देख सकते हो श्रवणी नारा, ये जो है सिस्टम इंजीनियर थे पहले, लेकिन अब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि इसमें कैरियर लॉन्च के अलावा अगर आप मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जितने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो, और इवन यहाँ पर लिंक्डइन का प्रोफाइल भी दिया हुआ है। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन सभी बच्चों का यहाँ पर लिंक्डइन आपका प्रोफाइल आप देख सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 ईयर गैप एक आप यहाँ देख सकते हैं, एंजेलिना डेजी ये बिल्कुल फ्रेशर थी, उसके बाद 16 ईयर का गैप था, उसके बाद यहाँ पे इनको जो है इस कंपनी में यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिला है। तो अगर आप भी इसमें ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास इतना गैप हो गया, मैं किस तरीके से करूँगा इस चीज़ को, तो आप यहाँ से इसको एज ए इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी देखिए 5 ईयर का गैप है, उसके अलावा अगर आपका कोई बैकलॉग वगैरह लो परसेंटेज है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जितना भी है ये सारा ओडिन स्कूल यहाँ पे प्रिपेयर कराता है। देखिए यहाँ पे 11 ईयर का भी यहाँ पे गैप है नागा लक्ष्मी का, और ये पहले जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब एसोसिएट मैनेजर के रूप में यहाँ पर इन्होंने जॉब पाई हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर करियर अपग्रेड भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जिस सीनैरियो में हो आप यहाँ पर फिट बैठ सकते हो। ठीक है, आपने आपको यहाँ पर सुटेबल पा सकते हो। करियर अपग्रेड इन्होंने यहाँ पे किया, देखिए ऑलरेडी आप पहले ये काम करते थे एज ए कंसल्टेंट डेटा एनोटेटर, अब ये करियर को अपग्रेड किया इन्होंने ओडिन स्कूल के थ्रू, अब ये यहाँ पे डेटा इंजीनियर हो गए हैं। डेटा इंजीनियर आजकल के ज़माने में काफ़ी डिमांड पे है, डेटा साइंस जो चल रहा है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 67 सैलरी हाइक भी यहाँ पर हुई है, ये एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके अलावा देखिए और भी चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो जैसे ये डाइटिशियन थी, एक है यहाँ पे निधि कुलकर्णी, ये एक डाइटिशियन थी और ये डेटा साइंस में जो है इन्होंने स्विच कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ओडिन स्कूल यहाँ पे मदद करता है, इसी तरीके से कम बैक किया 11 ईयर के करियर गैप में नागा लक्ष्मी ने, और अब ये पेप्सिको में जो है काम कर रही है। उसके अलावा फुल टाइम मदर्स करियर जो है इन्होंने रिलॉन्च किया अपना 6 साल बाद, विश्वेश्वरी की यहाँ पर सक्सेस स्टोरी आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं
यहाँ पे एक एक करके आप वीडियो को भी प्ले करके देख सकते हो ये लोग क्या बता रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। फ्रेशर हो चाहे 14 ईयर का गैप हो, या फिर देखिए 282% सैलरी हाइक भी यहाँ पे मिली है कई लोगों को, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये आपको सबसे पहले यही चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ, सबसे पहले नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी को क्लिक करके अपने से वेरीफाई कर लेना, फिर वीडियो को पूरा चाहे बिल्कुल एंड तक देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि ओडिन स्कूल है क्या, जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं भी जानते हैं इसको अच्छी तरीके से देख लेना, मैं पूरा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपना आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए ओडिन स्कूल यहाँ पे डेटा साइंस कोर्स का यहाँ पे लेके आ गया हुआ है, और ये कोर्स जो है डेटा साइंस ही क्यों आया है मैं आपको बता दूँ, इसका रीज़न है देखिए जावा C++ और इस तरीके के कई लैंग्वेज जो है बहुत पहले से आ रहे हैं, ट्रेडिशनल हैं। अभी जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है वो डेटा साइंस है। डेटा साइंस में जब आप जाते हो एज ए डेटा इंजीनियर बनते हो तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, सैलरी भी मिलती है और चांसेस हैं आपको बड़ी कंपनी में जाने का, ठीक है। तब यहाँ पे बहुत सारी हायरिंग पार्टनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप मेरी स्क्रीन पर अगर देख रहे होगे तो आप यहाँ देख सकते हो ई क्लेरेक्स हो गया, केलॉग्स हो गए, इसी तरीके से श्नाइडर हो गए, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, EY हो गया, अर्न्स्ट एंड यंग हो गया, ठीक है, पेप्सिको है, इन्फोसिस है, यहाँ पे सर्विसेज बेस्ड कंपनी भी है और यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, तो इन सभी में इनके हायरिंग पार्टनर्स जहाँ आपकी हायरिंग होगी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने सक्सेस स्टोरीज आपको बताया था ऑलरेडी मैंने आपको वो लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा देखिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको एवरी वीक, हर हफ्ते आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ओडिन स्कूल के थ्रू पता चलती रहती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वीडियो को प्ले करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी के और भी वीडियोज़ हैं हर हफ्ते यहाँ पे आती रहती है। एक स्नैपशॉट आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे 295 डेटा साइंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस वीक, जो ये वीक ये आ रहा है, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है। और हाईएस्ट पैकेज जो गया है 35 LPA का, और एवरेज पैकेज जो है मीडियम पैकेज 7 LPA का गया हुआ है, ठीक है। जो जॉब रोल्स टॉप जॉब रोल्स हैं डेटा साइंस में वो ये सारे हैं, और इसके बारे में आप और भी वीडियो प्ले करके इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा करियर की जो सर्विस है उसको अगर मैं एक छोटे से उसमें बता दूं क्या है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या क्या मिलेगा, तो आपको वर्क प्लेस ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको स्किल्स आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। आप जो है कोई नई नई चीज़ें को लर्न करोगे अच्छी तरीके से, और बिहेवियर यहाँ पे लिखा हुआ है, योर वर्किंग स्टाइल एंड बिहेवियर डिसाइड इफ़ यू आर गुड कल्चरल फिट, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए अपनी स्किल्स को यहाँ पे सेल करना है, आपकी जितनी अच्छी स्किल होगी टैलेंट होगा उतना ज़्यादा आप वहाँ पर डिमांड में रहोगे इस इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई इंटरव्यू जैसे आप जाते हो इंटरव्यू फेस करते हो तो कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है या फिर आपको नर्वसनेस हो जाती है, तो इनसे कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये सारा चीज़ आपको यहीं पे प्रिपेयर कराते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू। उसके अलावा देखिए रिज्यूम बिल्डिंग होता है ऑनलाइन, प्रोफाइल भी आपकी बिल्डिंग करा दी जाती है, मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके कराए जाते हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए इंटरव्यू का। इंडस्ट्री इंटरेक्शन होता है, मान लीजिए इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं उनसे इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के बाद आपको पता चलती है कि हाई लेवल पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप इंटरव्यू में बता सकते हो, और कहीं काम करोगे तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। बिहेवियर स्किल वर्कशॉप ये भी दिया जाता है कि किस तरीके से बिहेव करना है जो कंपनीज में किस तरीके से काम होता है, और रेगुलर जॉब ड्राइव्स नई नई कंपनीज कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है वो सारी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी अपडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको 2 साल तक यहाँ पर मिलेगी, आप अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती रहेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन सिंगल करिकुलम, एक आपको करिकुलम यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे क्या है, देखिए कोर मॉड्यूल्स है और इलेक्टिव्स है, ठीक है। ये कोर मॉड्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे हैं, स्टैटिस्टिक्स, SQL, पाइथन, EDA जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद इलेक्टिव्स है, उसके अंदर जो आपके और भी यहाँ पे सेक्शंस हैं, यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स कर लें, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, तो ये दोनों मिला के एक फुल प्रूफ यहाँ पे बना देता है जो आपका स्किल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा अभी आप देख लें कि टूल्स आपको यहाँ पे कौन कौन से लर्न करने को मिलेंगे जो कि काफ़ी डिमांडिंग स्किल हैं, डिमांडिंग टूल्स हैं जो आज के ज़माने में, वो देखिए पाइथन है, सी बॉर्न है, एनाकोंडा है, जुपिटर, नंपी, ये सारे के सारे आप लोग को टूल्स लर्न कर लोगे। और दोस्तों अगर ये सारे टूल्स आपको आ जाते हैं तो आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे, आप एटलीस्ट अगर ये बोलोगे कि मुझे ये चीज़ आती है, मैंने वर्क किया है, तो उससे आपका समझिए 50% वेटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये नाम क्या होता है, आपको तो उस पर वर्क करने को मौका मिलेगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया प्लस पॉइंट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी कि नहीं होगी, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। आपको यहाँ पर दिखा दे बैंक मार्केटिंग का पूरा एनालिसिस रियल टाइम यहाँ पर प्रोजेक्ट होता है, और ये किस बेसिस पे होता है, पाइथन, EDA, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आपके इसमें इंक्लूड आ जाएंगे,
किस तरीके से डिज़ाइन करना है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके बारे में एकेडमिक परफॉर्मेंस में पूरा यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्ट। उसके अलावा रियल इस्टेट पे यहाँ पे दिया गया है, तो और सेल्स ग्रोथ डैशबोर्ड पे दिया गया है, डायबिटीज़ प्रेडिक्शन पे दिया गया है, मतलब हेल्थ बैंकिंग और हर चीज़ के सेक्टर को यहाँ पे टच किया। तो चाहे आप जहीं किसी भी कंपनी में आप जाओ, किसी भी डोमेन में जाओ, आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए डेटा साइंस जो ओडिन स्कूल की तरफ से ही हम क्यों लें, क्या फ़ायदा है अगर आप ये सोच रहे हो, तो ये वाला जो टेबल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ओडिन स्कूल में अगर क्लासेस होते हैं वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस होते हैं इंस्ट्रक्टर की तरफ से, और बाकियों में मान लीजिए नहीं भी होते हैं या होते होंगे, हम आगे देख लेते हैं और भी क्या पॉइंट्स हैं। बूट कैंप की प्राइस जो है वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी, तो ये जो है वैल्यू फॉर मनी है, जितना मनी ये आस्क जो आपसे मांग रहे हैं वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, जितना होना चाहिए। उसके अलावा देखिए बाकी के में जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। स्कॉलरशिप में देखिए 30,000 की यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो बाकी जगह नहीं मिलती है। करिकुलम अगर आप देखें तो हर महीने यहाँ पे अपडेट होता रहता है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाकी में अपडेट नहीं मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट्स में देखिए इंडस्ट्री के अलाइंड प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं और बाकियों में ये चीज़ नहीं दिखती है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ यहाँ पर कराए जाएंगे, बिल्कुल डेडिकेटेड टीम ही वहाँ बैठी रहती है जो आपको इंटरव्यू कराती रहती है, बाकियों में ऐसा नहीं मिलेगा। करियर सर्विसेज में आपको रिज्यूम बिल्डिंग, एक्सटेंसिव सर्विसेज और भी बिहेवियरल स्किल्स वर्कशॉप्स कराए जाएंगे, सपोर्ट पूरा टीम रहेगी। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, बाकी में लिमिटेड रहता है। जॉब ड्राइव्स में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है रेगुलर जॉब ड्राइव्स फ्रॉम 7th मंथ एंड दैट एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, 7वें महीने से लेके जो है 2 साल तक यहाँ पे एक्सटेंड रहेगी जॉब ड्राइव, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सैलरी नेगोशिएशन फॉर हायर सैलरीज, हायर सैलरीज के लिए ओडिन स्कूल आपकी तरफ से खुद यहाँ पे नेगोशिएट करेगा ताकि आपको हाई सैलरी मिले, इतने सारे बेनिफिट हैं। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट रिव्यू वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, गूगल पे रिव्यू मिल जाएगा, बूट कैंप NPS पे रेटिंग मिल जाएगी और मेंबर ऑफ NASCOM। अब देखिए यहाँ पे मेन जो मुद्दे की बात आती है कि भैया प्राइस क्या है यहाँ पे, तो अब देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे जो नया सेशन जो आ रहा है वो 24 जून को यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 29 जुलाई यहाँ दिखा रहा है, ये दो सेशन है यहाँ पे, बाकी आप उसमें समझ लेना। अब देखिए फीस है 99,000 प्लस GST। ठीक है, अब आप यह सोचो कि बहुत हाई प्राइस है, तो ठीक है उसके इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी है। आप अगर कहीं कोर्स करते हो, डिग्री करते हो, उससे कम ही यहाँ पे प्राइस है, बाकी आप उसमें जज कर सकते हो, जितनी भी बाकी के हैं कंपनीज या प्लेटफॉर्म उससे आप इससे कंपेयर कर सकते हो। स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दे रहा है 30,000 और यहाँ पे आपको 6,300 पर महीने का, हर महीने आपको EMI भी मिल रहा है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 मंथ्स का EMI ऑप्शन भी है यहाँ पे है, और फाइनेंसिंग पार्टनर्स भी है, फाइनेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए रिजर्व कर सकते हो अपनी सीट, 5,000 प्लस GST करके आप अपनी सीट को रिजर्व भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो मेंटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो कौन कौन है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन है, इन ये जो लर्न कराते हैं ये कृष्णा कुमार हैं, ये JP Morgan के हैं, XVP हैं। ठीक है, ये डेटा साइंटिस्ट हैं, वर्क कर रहे हैं, इनका आप लिंक प्रोफाइल भी देख सकते हो। उसके अलावा ये जो लीड इंस्ट्रक्टर हैं ये जो हैं Gentox रिसर्च से हैं, और इनकी भी लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हो। उसके अलावा देखिए फॉर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल के मेंबर हैं ये, VP डाटा साइंस कोर्स 5 के। उसके अलावा ये फाउंडर हैं एस्पेक्ट स्क्वायर के, ये इनका भी लिंक्डइन प्रोफाइल, ये गोल्डमैन सैक्स के XVP हैं, इनका भी लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हो। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पर जाने माने और हाईली मतलब एजुकेटेड और हाईली मतलब ट्रेनर हैं यहाँ पर, ये सारे हैं। उसके अलावा देखिए जब आप यहाँ से ओडिन स्कूल से ये चीज़ कर लेते हो कोर्स, तो आपको एक डेटा साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, इस पे आपका नाम लिखा रहेगा और सारी चीज़ यहाँ पे मुहर वगैरह लगी रहेगी ओडिन स्कूल की, जो आपको आगे फ़ायदा भी देगा। ठीक है कि आपने ये काम किया है। उसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं ये जानता हूँ कि इसमें क्या है, कैसे है, कब तक होगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, कब तक ये चलेगा बूट कैंप। ठीक है, इसमें पूरा लिखा है, 500 घंटे की लर्निंग है, 6 महीने तक का है, ये पूरी चीज़ आप देख लेना। प्रोजेक्ट्स क्या, किस पे वर्क करने रहेंगे, तो आपको 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करने को मौका मिलेगा, लाइव प्रोजेक्ट्स मतलब होते हैं रियल टाइम वाले। हु आर द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर कौन है यहाँ पता चल जाएगा, और मैं बूट कैंप के बाद क्या समझूंगा कि मुझे क्या मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ आउटकम जो है, आपको एक जॉब मिलेगी यहाँ पे, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके अलावा क्लासेस कैसे कैसे कंडक्ट की जाएंगी
आप देख सकते हो, इंटरनेट के थ्रू होंगी, जूम और वेबएक्स पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेंटरशिप किस तरीके से काम करता है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। और प्लेसमेंट असिस्टेंट क्या अवेलेबल है, तो बिल्कुल है, 360 डिग्री प्लेसमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। और हाउ कैन बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंट, असिस्टेंट किस तरीके से जो है प्लेसमेंट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल कैसे होंगे, इसमें सारे चीज़ लिखे गए हैं। उसके अलावा देखिए क्या जॉब गारंटी है, तो यहाँ पे आपको लिखा है पूरी सारी की सारी चीज़ें, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो जो मैंने चीज़ आपको बताई है, ठीक है, आप एक बार जाके खुद भी यहाँ से एक बार चेक कर लेना, एक्सप्लोर कर लेना। अब मेन चीज़ है कि ठीक है, अब मुझे सब चीज़ समझ आ गई है, तो मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल अपना डाल देना, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब भी आपने ग्रेजुएट किया है आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो नन कर देना और रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पर क्लिक कर लेना। वहाँ से आप लोग को कॉल बैक आ जाएगी और आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करा लेना, ठीक है। यहाँ पे समझ जाइए 24 जून को यहाँ पे नेक्स्ट सेशन आ रहा है, आपको 30,000 तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे जब रिक्वेस्ट कॉल बैक करोगे तो वहाँ से आपको कॉल आएगा, उसमें सारी चीज़ें आप अपने डाउट्स पूछ लेना। अगर अर्ली बर्ड है, जितनी जल्दी आप करोगे तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा 10,000 आपके ऑफर हो जाएंगे, जो कि 100 सीट्स के लिए ही है। आप कॉल बैक जब आएगा तो उसमें आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ देखिए मैंने आप लोग को बता दी है, पहले भी वीडियोस में बताया था। आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो थोड़ी बहुत, तो ज़रूर इस पर एक कॉल बैक करवा लेना, क्योंकि उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या फिर आपके पहचान में रिलेटिव में कोई जिसकी बहुत ज़रूरत है, जिसको, उसको ये ज़रूर शेयर कर देना। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये चीज़ सही लगी या आप इसको शेयर करने जा रहे हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना। अगर आपको पहली बार आ रहे चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि किसी डेली अपडेट्स में आप लोग के लाते रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।